के बाद श्रीनगर की भी करते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त जम्मू के अंदर जारी है, तो कश्मीर के अंदर ये सुस्रवी का शिकार थी या ना के बराबर थी। अब कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन आज से बाकायदा जंगी बुनियादों पर टीकाकारी शुरू होगी। सुबह इंतजामिया की तरफ से बयान सामने आया है और बड़ी तादाद में जो खुराकें हैं वो कश्मीर पहुंच गई हैं। सुबह इंतजामिया कश्मीर की तरफ से आज तैयारी की गई है कि तमाम अजला के अंदर जो वैक्सीन के नए डोजेज पहुंचे हैं, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स, मीडिया अमला या जो मुलाजमीन हैं उनको सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोल के मुताबिक तरजीह बुनियादों पर वैक्सीन दी जाएगी। इशफाक, इस बीच आपको बताते चलें कि तकरीबन जो नया स्टॉक अवेलेबल है इंतजामिया के पास, जो कोविशील्ड वैक्सीन पहुंची है, नए आदादोशुमार के मुताबिक 90,000 के करीब कश्मीर के अंदर फ्रेश कंसाइनमेंट पहुंची है। और जिन लोगों की उम्र 44 साल है उन लोगों को, 44 साल से जिन लोगों की ऊपर है, यानी जो सरकार का था 18 से 44 और 45 से ऊपर, उन लोगों को वैक्सीन देने के लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं। और इंतजामिया के बकौल ट्रांसपोर्टर्स, दुकानदार, ताजिर या बाकी जो लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके अलावा अगर किसी को हंगामी बुनियादों पर वैक्सीन दी जाएगी इस कंसाइनमेंट में से, तो वो 45 प्लस जिन लोगों की तादाद है वो कोविशील्ड के नई खुराकें उनको दी जाएंगी। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ये 90,000 डोजेस कहे जा रहे हैं, इनमें ये कहेंगे कि आगे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की सेकेंड डोज लगनी थी और उनको ऑलरेडी नोटिस आ गई थी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है जी वो हो गया है, या अभी हमारे पास भी ये खबर आ रही है कि उनकी डेट चली गई और नई रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी विंडो जो है वो नहीं खुला है, तो वो क्या करेंगे। यहाँ पिछले दिनों ये भी कहा गया था, जो मरकजी वजारत की तरफ से ये कहा गया था कि जिसने कोविशील्ड लगाया उसको कोविशील्ड ही लगाना, और उसमें टाइम एलोकेशन भी दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे कैसे लिया जाए, जबकि आज के दिन जब मैं इस वक्त कोविन स्टेटस को देख पा रहा हूँ श्रीनगर, बल्कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जब आप खोल के देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी सेंटर आज अभी तक, अभी 9:45 का वक्त हुआ है, अभी तक भी फंक्शनल जो है वो नहीं बताया जा रहा। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट को देखूं, नहीं हो पा रहा है। जो अभी कहा गया था कि आज से शुरुआत होगी, क्योंकि कल रात देर गए मरकजी वजारत की तरफ से भी कहा गया कि वैक्सीन भेज दी गई है, फिर मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ जो हमारे जम्मू कश्मीर का है, यूनियन टेरिटरी का, उन्होंने ट्वीट किया है, पीके पॉल साहब ने बात रखी है, लेकिन जो ऐप है जहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है अवेलेबिलिटी जनाब कश्मीर प्रोविंस में जब आप डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो नहीं दिखा रही है। और सुबह से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो कोई भी बड़ी पेशरफ यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही है, ना तो श्रीनगर के अंदर है, ना बारामूला के अंदर है, ना कुपवारा के अंदर मैं देख पा रहा हूं कहीं पर आज कोई वैक्सीन लग सकता है, क्योंकि अभी भी जीरो लिखा गया है उस पर।